हिंदू धर्म में माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार माघ माह में पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस खास अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदी में स्नान और कुछ विशेष चीजों का दान करने का भी महत्व है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से साधक की मनचाही मनोकामनाएं पूरी होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने के महत्व के बारे में। ज्योतिषाचार्य जी, पूर्णिमा सबसे शुभ दिन माना जाता है अन्य दिन की तुलना में। तो पूर्णिमा के दिन लोगों को कौन से कार्य करने से वर्जित होना चाहिए, वो कार्य नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यानाथ। सबसे पहले बड़ी बात ये है कि 12 महीना में माघ महीना, अगहन महीना और बैसाख, ये 3 महीना जो है बहुत शुभदायक महीना होता है। और महीना में भी पूर्णिमा के दिन यह जो है, जिस प्रकार से कार्तिक स्नान, बैसाख स्नान होता है, उसी प्रकार से माघ में भी स्नान होता है। तो माघ स्नान का विशेष फल है। उसमें भी जो पूर्णिमा के दिन है, उस दिन तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ ऐसे कार्य हैं जो कदापि न करना चाहिए। उसे करने से आपके धर्म में हानि होती है। जैसे पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान की पूजा विशेष रूप से होती है, तो उस दिन कदापि मांस मदिरा का सेवन न करें, सात्विक भोजन ही करें। उस दिन कभी भी वैसे भोजन को न करें जो दूषित हो। और उस दिन बाल नाखून कदापि न कटवाएं, काले वस्त्र का धारण न करें, और विशेष रूप से किसी को अपशब्द, छोटा बात बोलने का कृपा न करें। उस दिन यदि आप बोलते हैं तो उस छोटे से बात में आपको हानि होगी। सुनने वालों को तो कुछ हानि नहीं होगी, लेकिन विशेष रूप से आपको हानि। तो पूर्णिमा के दिन ये सब कर्मों से बचना चाहिए। सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को ये सब विशेष करके पूर्णिमा का संयम रखना चाहिए। लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। ये वीडियो ज्योतिषाचार्य के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बनाई गई है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।